देखते जाइए एक एक नमूना। अस्पताल में ग्लूकोज चढ़ रहा है, अब चूँकि हम ही को कैमरा यहाँ चलाना है। वो बचिया स्कूटर में हाथ पर बांध के बैठी हुई है, हमारे नाती यहाँ मौजूद है, क्यों नहीं उनको लेके गए? सवाए बदमाशी के, दुष्टापन के काम करना तो दूर, और वो खून जला देते हैं। और घर में बैठे हैं पारस, माँ उनकी हमसे ज़्यादा भड़ गई एकदम। वो लड़का जो भी कह दे कि इन्होंने कत्ल किया है तो वो तुरंत उसको मार लेती, और यही इसी से लड़के बर्बाद हो जाते हैं। वहाँ अस्पताल में वो बता दिया, वहाँ हम घंटों खड़े रहे और धूप रहा और हवा चल रही थी, आंधी आ रहा था। सोचिए आप, अब हमारी बेटी को चाहिए कि अस्पताल तुरंत जाए, हमारे साथ चले और चल के वहाँ कर्मचारियों से पूछे ये लड़का क्या कर रहा था। सोचिए आप, हमारे ही सामने झूठ बोल करके, और किस तरह, ये तो कहिए कमज़ोर बछिया है जो हम स्कूटर में लाद लाए, लोगों से हाथ पैर जोड़ा, भैया ज़रा उठवा लो, भैया ज़रा पैर बंधवा लो, ये सब कुछ करना पड़ा अकेले। ऐसे लोगों को कितनी भयानक सज़ा मिलती है, वो उनको सोच लेना चाहिए कि हम 73 साल की मेरी उम्र, बिना बच्चे, बिना माँ के बच्चा ये, और किस तरह हम इसको लाद के लाए हैं। अब लोग रिक्शा बोलेंगे, दो कदम अगर रिक्शे पर लाना है तो 10 रुपये दे रिक्शे वाले को, इतना हराम का दौलत नहीं भरा हुआ। इसीलिए स्कूटर में आप देख रहे हैं बछिया लदी बैठी हुई है, शांत है, कमज़ोर है, इसलिए इसको देखे आए हैं यहाँ पर स्कूटर में। और यहाँ पर ये तो कहिए इत्तेफाक से आप आ गए, अकेले इसको मैं लाद के ला रहा हूँ, जवान पट्टे हैं हमारे नाती, क्यों उनको संस्कार नहीं दिया गया? वो कहीं जाएगा खुरापात करेगा? अस्पताल में कुर्सी पड़ी, पंखा चल रहा है, वहाँ नहीं बैठा मेरा नाती जो है। ठीक, मैं आ रहा था क्या कैमरा लेने, मैं कैमरा लेके क्यों जाता हूँ? वहाँ लोगों का, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है ना, उनको अच्छा लगता है, प्रचार हम करते हैं, भंडारा आइए, इधर आइए, उसको बैठे एक मिनट, अरे आइए यहीं आइए, भंडारा चौराहे पर हो रहा है ना, तो इन भंडारा करने वाले दोषी नहीं हैं, उसको रख दें, हम लोग आपस में बात करेंगे, है ना, ये चलता रहेगा, ये भंडारा करने वाले दोषी नहीं हैं। आइए यहाँ बैठ जाए, यहाँ आ रहा है लेकिन टेढ़ा है, टेढ़ा नहीं, इसका बैलेंस सीधा हो। ठीक, अब आ बैठिए, तो बैठ आ जाए, यादगार बन जाए। आ रहा है, अब चेहरा चेहरा। ठीक, तो मैं गया, आप चूँकि हर डॉक्टर हर कंपाउंडर ये चाहता है, ये थोड़ी थोड़ी अंगठी है, ये हर डॉक्टर और हर कंपाउंडर हर आदमी नाम चाहता है, फोकस चाहता है। तो अब चूँकि हॉस्पिटल से हमको दवा मिल जाती है, जब उनको हम खुश करेंगे, हम नहीं खुश करेंगे दवा नहीं मिलेगी, जाइए खरीदिए। अब हराम की दौलत हो तो हम खरीदें, खैर उनको खुश करने के लिए कैमरा लेने हम आ रहे थे। हमारे नाती ने हमको नहीं आने दिया, हमने कहा हमको लेते चलो ना, कहीं सुनकर इजाद करके भाग आए, और मम्मी से शिकायत। एक घंटे मैं वहाँ धूप में मैं खड़ा था, जबकि वहाँ पंखा चल रहा है, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, समझ गए? फिर दूसरा झूठ बोलता है, कहें हम बछिया के मक्खी हाँक रहे थे। देखिए आप, नाटी, अरे बड़ा इतना भयंकर है कि वाल ना पूछिए। उसके बाद कहता क्या है, हम मक्खी हाँक रहे थे, हमका पेड़ पर क्या कर रहे थे जाके, कहें हम उसी बछिया के ऊपर
देखिए कमीना पर बछिया नीचे है, वो पेड़ पर बैठ के मक्खी हाँक रहे हैं, उनको झूठ बोलना नहीं आता। देखिए क्या, फिर एक घोड़े के पास गया, वहाँ पर बहुत बड़ा सा घोड़ा था, इलाज के लिए आया, उसको ऐसे ऐसे कर रहा था, हमने मना किया, क्यों अभी उनको घोड़ा पकड़ ले। ठीक, उनकी मम्मी यानी हमारी बेटी जाहिल नंबर वन, एक जाहिल और महक जाहिल, वो आँख बस अरे आँख ही उसने कान भर दिया। हम आए, हमने कहा क्यों भैया, कहीं बिजली नहीं है, अब बिजलियाँ बिगड़ी है, तो आप नाटक करते हैं और कैमरे की क्या ज़रूरत है, तो कि अब ये हमसे पैदा हो करके ये हमको शिक्षा दे रहे हैं। इतना बड़ा गार्डन बनाना बिना किसी से रिश्वत लिए, बिना किसी की बेईमानी करे, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए, दोनों की शादियाँ अपने बाहुबल से अपने बुद्धि से ऐसा काम करवाया कि इनकी शादियाँ हो गई, आज वो हमको शिक्षा दी। कहीं वो लड़का जो है, हम कहा तुम अगर मक्खी हाँक रहे थे तो भैंस कहाँ, घोड़ा कहाँ, वहाँ वहाँ क्या करने गए। फिर बिटिया पूछती है, कहें तुम कहे आवट, मेरा गला बैठा था, बहुत जोर चल रहा है, मन बड़ा इतना हमारा कुंठित हुआ कि अगर ये बछिया का मामला न होता तो आज हम निकल जाते बाहर। बछिया कहाँ गया? बता रहे हैं, हम बाहर निकल, क्यों पत्नी बेटी नाती समझ गए, उनके उनके लिए मैं बोल ये है। आपने समाज के लिए इतना बड़ा कार्य किया है, आप भोजनी है, आप तो पूजनी है, क्या आप गलत सोच रहे हैं, आप पूजनी भोजनी अभी लोगों का व्यवहार इतना भयानक, तबीयत हमारी फट जाती है। लैपटॉप में कोई काम करवाइए, लैपटॉप में काम कर लो, किनारे हो जाओ, अपना हो रहा है ठीक ना, खटर 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 उसके पीछे पड़ा रहता। हम जानते हैं अरे भैया नई मशीन है, जितने ज़्यादा रौंदोगे उतनी जल्दी खराब होगा। ये कपड़े को हम रोज़ जमीन पोछा लगावें और रोज़ धुलाई करें, यह कई दिन चलेगा। सीडी बनवाना जाता है दुनिया के नखरे है। तो बहरहाल जितना भी नहीं, कष्ट इस बात का है कि जो माँ से कह दे माँ उसको तुरंत मान करके, ऐसे ही बच्चे बर्बाद होते हैं और माँ बाप के दुश्मन बन जाते हैं। इतना भयंकर कष्ट हुआ, सुनिए फिर मैं रस्सी लेके और बछिया के हाथ पैर बांधते, कब ये बैठी है, क्या दिक्कत है। जब से पैदा हुई इसकी माँ मर गई, ऊपर का माँ का दूध मिला नहीं, अभी माड़ है, ऊपर का दूध थोड़ा बहुत दे के इसको जिंदा रखते हैं, उसके यहाँ घाव हो गया इसके, हाँ कई दिन ड्रेसिंग करवाए, उसके बाद में इसको हमारे नाती पीछे लेके बैठ जाते, मैं चला जाता, अरे तुम चले गए वहाँ अस्पताल में, जब मेरा नंबर आएगा तभी तो काम होगा। हाँ हाँ, वो हमारी बेटी आपसे बाहर, आपसे बाहर, हाँ देखिए कहन का, कहन का जरूरत है, तेज देर रुके चाहे तुमका मुफ्त में गुलकोज मिलना रहे या हमारे रुक। अब उनको दो थप्पड़ मार के, इतनी कमीनी लड़की है कि दो टमाचे मारें और घसीट के मारते हुए ले जाए अस्पताल में, ग्लूकोज जो चढ़ रहा है बाबूजी, जिस कुत्ते को जो कंपाउंडर चढ़ा रहा है ठीक, वो जब बोतल खाली होगा, वो जब कंपाउंडर खाली होगा तभी हमारे बछिया का नंबर आएगा ना है। तो डॉक्टर ने कहा कि आधा बोतल कुत्ते को लगेगा, आधा बोतल बच जाएगा। फिर कहती है अरे बहुत से जानवर आते हैं, कहा एक कमीनी मूर्ख, वो ग्लूकोज ज़्यादा देर रखा नहीं रहेगा, एक बाइक तुरंत इस्तेमाल हुआ, दूसरे को लग गया। तो अस्पताल में वहाँ कोई बच्चों का वार्ड छोड़े है कि इतनी बड़ी बच्चिया वहाँ पहुँच जाएगी। चलिए अभी तो इसका क्या है, बच्चिया की जान बचाइए और उनको समझाने से ही कुछ हो सकता है। एक भाव बता रहे हैं कि इतने कमीना, इतना जाहिल समाज है, इतना अंधा समाज है कि आज के ज़माने में किसी साले को गला काट के दे दो और मूर्ख महिला, ठीक हमारे यहाँ मूर्ख लड़कियाँ हैं, हमारी भतीजी है, हमारी बड़े भाई की बेटी है, हमारी छोटी बेटी है, मूर्ख पढ़ी लिखी मूर्ख, जो समझ में उनकी आ जाए
अरे बाप रे, जो उनके समझ में आवे बाप है, अरे पता लगा होगा। अब बताइए कितना क्रोध आया। अरे हम मुफ्त के लिए रुके रहे, 25 रुपये की नहीं, 25 रुपये की मैंने दवा खरीदी जेब से। डॉक्टर ने कहा काहे महाराज 25 लाख के गए, आपका 25 मैं बचा देता हूँ, 25 नहीं 90 रुपये बचेंगे आप, हम इसी से आपका काम चलवा दें। अब जब वो कंपाउंडर बोतल स्टैंड खाली होगा तभी तो मेरा नंबर आवे। आपकी बात सही है। नहीं एक मिनट, लड़की का ये कहना है कि आप कंजूसी के चक्कर में घंटों वहाँ बैठे रहे और मेरा बेटा धूप में खड़ा था जबकि वहाँ पंखा चल रहा है, कुर्सियाँ पड़ी हैं, ये कहीं चेयर पर बैठा है, कहीं घोड़े के पास जा रहा है, कहीं घूम रहा है। अरे सयाना है महाराज, कम से कम 15-16 साल का। नहीं, हमारा मतलब है एक बार समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, अब क्या जिंदगी भर हमको बच्चे हैं क्या, उनकी उनकी उम्र के थे ना तो हमारे बाप मर गए थे। सुनिए और मैं भेजा गया गांव, वहाँ हमारे सारे पट्टीदार सारा दुश्मन, और दुश्मनों के बीच में मैं अकेला किस तरह रहता था, किस तरह उनसे मोर्चा लेता था और किस तरह उनको मैं परेशान भी करता। आप बाबा जी ठीक तो शांति से निर्णय लीजिए, समझ लेकिन भैया हम कोई दिक्कत होती है मैं समझता हूँ, कोई शंकराचार्य कोई बहन ही मन बड़ा कुंठित होता है, कुंठित होता है जिस आदमी के लिए कला काट दिया, अपनी जिंदगी को आग लगा दिया। पट्टीदारों ने कहा अरे कार खरीदो, तीर्थ घूमो, होटल जाओ, कुछ ऐसा आराम करो, एसी में लगाओ। हमने कहा नहीं, हम साधु लाइन में आ गए, हमको कुछ नहीं करना, हम तपस्या करेंगे, लेकिन अगर आप हमको सहयोग देने आए हैं तो आप सहयोग इतना सा दे हो और इतना चाहो तो भैया हो, हमको आपका सहयोग नहीं चाहिए। इतना सा काम और उसने हंगामा खड़ा किया। मैं आ रहा था कैमरा लेने, अरे तुमको नहीं कैमरा चलाना था बता देते, मत चलाओ, वो सारा काम हो गया, हमने कैमरा स्वयं चला लिया। एक लड़का आया मैंने उसको दे दिया, हमको कैमरा चला के डॉक्टर को खुश करना है, जनता जनार्दन को शिक्षा देनी है, सीख एक अच्छी बात बतानी है, और जब मैं मर जाऊंगा तो सारा बेनिफिट यही इन्हीं कमीनों को मिलेगा। तब ये कमीने बोलेंगे जो हमारे नाना थे, वो बोलेंगे हमारे बाप रहे, हमारे पापा रहे, ये है समझ। सुनिए मैंने इतिहास रचा है, माइक पर बोलते हैं ना, बड़े बड़े को थरासाई करते, बड़े बड़े दिग्गज बैठे चुप, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, क्यों? कर्म से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है, रोटी से बड़ी रोटी की कोई तस्वीर दुनिया में नहीं बनी। कैसे कैसे आना हुआ नहीं दे पाए थे, तो आज मेरे पास समय था, पहली बार है एक तो इतना काम है मेरे पास, मैं अनशन में बैठ गया, 2 दिन बीमार हो गया, रामदेव वाले ने कहीं सब नाटक करने वाले लोग वहाँ समझ गए, अरे वही जो अनशन में मैं बैठा हूँ, जो अनशन में नहीं है वो फोटो खिंचवा रहा है, उसका क्या नाटक हो रहा है। अरे भैया मैं तो रोज बैठा हूँ ना, तो रोज खाना चाहिए कि नहीं, कि जो लोग अनशन में नहीं बैठे हैं उनका फोटो आता है, ये क्या नाटक हो रहा है। जो आयोजक है वो भी नहीं बोलते ना, हमने कहा साहब जो अनशन में नहीं है वो भी बैठे हैं, हम क्यों अनशन में मरे भाई, नाम तो उनका हो रहा है, मरे हम फायदा आप उठा में, अब इतना हम बेकूफ नहीं, वो युग चला गया, वो युग गया कि गांधी का युग गया कि कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल घुमा दो, जहाँ दूसरा गाल घुमाओगे पाकिस्तान के सामने दूसरा गाल जहाँ आपने घुमाया तो पकड़ क्या करने लिखी जा ऐसे करके मार देगा। अब ईंट का जवाब
पत्थर से दो तब आप जिंदा रह पाएंगे, उसकी साहस है जी। यह जो है हम अपने को बदल सकते हैं, पूरी दुनिया बदलेगी, क्या बड़ा आंतरिक बड़ा कष्ट है। मैं आपको इतना प्रॉमिश करता हूँ, वादा करता हूँ, वो पोजिशन मिलेगी तो आपको प्रेगनेंसी जरूर मिलेगी। नहीं देखिए, दुनिया में जैसे श्याम साधु है तो श्याम साधु जैसा व्यक्तित्व और भी होंगे, हैं उनके अंदर ये भाव तो है, आपके अंदर ये भाव तो है, अच्छे भाव अंदर आपके विचार है, ये देखिए क्या तो आइए इसको उतरवा दें। जब आपको वो प्लेस मिल जाएगा ना जी, तो आप खुद ही फेम में आ जाएंगे। अरे महाराज, 70 साल के बूढ़े हो रहे हैं, अब मिलेगा आज तक नहीं कोई आया नहीं किया है। नहीं तो उठवा के अंदर करा। Thank you.